नमस्कार दोस्तों, मैं हकीम नवीन दत्ता आज आप सबके सामने एक नए जानकारी के साथ आया हूं आप सबको अपने चैनल में, जो कि खैर मकदम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बात करना करेंगे जो आपके लिए लाभदायक है और बहुत ही कारगर नुस्खा है। आइए हम आयुर्वेदिक औषधि तुलसी के बीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली जो कि जड़ी बूटी है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका एक बहुत ही उच्च स्थान है और एक बहुत बड़ा महत्व है। तो मित्रों, बल, बुद्धि और आयु तीनों ये प्रदान करता है, उसके साथ वीर्य की उत्पत्ति करता है। जीवन का मूल आधार वीर्य है। वीर्य के सभी रोगों में, नापुंसकता में, नामर्दगी में, इम्पोटेंसी में, और जो के इरेक्टाइल डिसऑर्डर में, ये बहुत ही कारगर औषधि है। इससे पूर्व कि हम इस विषय को आगे ले जाएं, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोने में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आप सबसे मेरा निवेदन है। तो दोस्तों, इम्पोटेंसी यानी नामर्दगी में ये बहुत कारगर है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, बल, बुद्धि, वीर्य और आयु तीनों को ये प्रदान करने वाली बेहतरीन औषधि है। और इस तुलसी का पौधा एक ऐसा होता है जिसको आप जड़, तना, पत्ता किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब इसके बीजों की बात आती है तो तुलसी के बीज अत्यधिक गुणकारी हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, बल, आयु, वीर्य, इन सब की जो की वृद्धि के लिए ये बहुत ही कार्य है। अगर किसी को एजोस्पर्मा है, स्पर्मिया है यानी शुक्राणु की कमी है, यहाँ तक कि किसी को नील शुक्राणु का भी अकाउंट है, वो भी इसके प्रयोग से अपना फ़ायदा ले सकता है, लाभ ले सकता है। तो मित्रों, तुलसी के बीज के अंदर मैंने पहले ही बता दिया कि आयु बल ये इसीलिए बढ़ाता है कि इसके अंदर बहुत सी शक्तिवर्धक मतलब के गुण हैं, ये आपके शरीर को रिष्ट पुष्ट करता है। आयु इसीलिए बढ़ाता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बहुत बेहतर बनाता है। अच्छा इम्यून सिस्टम होने से आपकी आयु अच्छी रहती है, आपके अंदर रोगों से लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, वीर्य के संबंधी जितनी भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो शीघ्र पतन हो, चाहे नामर्दगी हो, या फिर संभोग के में आपकी काम इच्छा की कमी हो, ये सब आपके लिए बहुत लाभदायक है। स्त्रियों में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारक है। जिन माता बहनों को मासिक धर्म के अंदर परेशानी रहती है, वो भी इसका सेवन कर सकती हैं। जिन माता बहनों के अंदर प्रजनन की क्षमता कम है, यानी लंबे समय तक वो माँ नहीं बन पाई, वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए मित्रों, तुलसी के बीजों का आप चूर्ण बना लें, इसके अंदर मिश्री मिला लें, या फिर मिश्री मिले दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप सबसे मैं आसान और सुरक्षित तरीका आपको बता दूं कि मिश्री मिले दूध के साथ एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, भोजन के उपरांत आपको इसका सेवन करना है। यदि आप नामर्दगी, शीघ्र पतन और जो कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, यानी कुल मिला के देखा जाए, अगर आप स्वस्थ, लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और आप जो कि बल, बुद्धि, वीर्य तीनों को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए अवश्य लाभदायक होगी। नामर्दगी के लिए ये, यानी नपुंसकता के लिए ये एक रामबाण है, इसका प्रयोग अवश्य करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।